जेल में अयाशी करते हुए आपके मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो हुआ वायरल। सत्येंद्र जैन पर जेल में ऐश करने के आरोप तो लग ही रहे थे, लेकिन जब से उनका जेल में मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हुआ है, तब से भाजपा आप पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पास ही है, जिससे दिल्ली की पक्ष और विपक्ष की पार्टियों का एक दूसरे पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप सरकार ने जेल नियमों का उल्लंघन किया है और सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीवीआईपी मजा दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और कोई दस्तावेज देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर में मसाज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी सांसद ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के हवाला कारोबारी जेल मंत्री जेल में मसाज का आनंद लेते हुए, अब तो सबूत पर्याप्त होंगे। क्या ठग सुकेश से इसके लिए ही वसूली की थी? ठग सुकेश ने कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन पर रिश्वत लेकर जेल में सुविधा दिए जाने का आरोप लगाया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त डाटा गृह मंत्रालय को भी दिया था। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल अधिकारियों की मिली भगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। ईडी ने कोर्ट से की गई शिकायत में कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने सत्येंद्र जैन की ऐशो आराम की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंपी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद बीते 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के कई जेल स्टाफ का तबादला हो गया था। इसमें 2 डिप्टी जेलर, 3 सहायक जेलर समेत 7 हेड वार्डर भी थे। जेल नंबर 7 के जेल अधीक्षक को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया। आप भी अपने मंत्री के समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। आपने कहा कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है। शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस के चलते जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते रात को सत्येंद्र जैन कई बार बायप्स लगाकर भी सोते हैं। दवाइयों के साथ साथ एक्यूपंक्चर थेरेपी भी उनके इलाज का हिस्सा है। क्योंकि जेल में जैन की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। लग रहा है कि एमसीडी चुनाव तक सत्येंद्र जैन का मुद्दा गर्म ही रहेगा। वैसे इस मुद्दे पर आप बैकफुट पर दिख रही है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। जेल में अयाशी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अगर ये आरोप वाकई सही हैं, तो फिर अपराधी को सजा देने का मतलब ही क्या रह गया? कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन अगर जेल में इस तरह की ऐश हो सकती है, तो पैसे वालों और ऊंची पहुंच वालों के लिए जेल सजा की जगह अयाशी का अड्डा बन जाएगा। कुछ सूत्र बताते हैं कि जेल में पैसे देकर आपको आपकी पसंद की चीजें भी मिल सकती हैं। वैसे भी जेल में मोबाइल फोन तो कई बार बरामद किए जा चुके हैं। देश और राज्य की सरकारों को जेल को अयाशी का अड्डा बनने से रोकना होगा, वरना सजा केवल और केवल कमजोर गरीब लोगों के लिए रह जाएगी। लोकतंत्र में सब बराबर हैं और सबको बराबर मजे के साथ साथ सबको बराबर सजा भी मिलनी चाहिए। विवेक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।